गोवा जेल में कैदियों ने जलाया रावण का पुतला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 4 अधिकारी निलंबित। महाराष्ट्र सोलापुर ड्रग्स मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने जब्त की थी 16 करोड़ की ड्रग्स। महाराष्ट्र यूपी और असम की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मदरसों का सर्वे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ये जानकारी दी। राफेल जेट नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदेगा भारत। स्वदेशी INS विक्रांत पर किए जाएंगे तैनात। मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी। ईमेल से मांगे 20 करोड़ रुपए। भारतीय पैरा एथलीटों ने हांजो एशियाई पैरा खेलों में इतिहास रचा। जीते 111 पदक। आचार संहिता लागू होने के बाद से राजस्थान पुलिस ने 200 करोड़ रुपए की चुनावी मुफ्त वस्तुएं जब्त की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक श्रीरूपा मित्रा चौधरी की कार पर हमला हुआ है। मित्रा ने TMC पर हमला करने का आरोप लगाया है। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट CM धामी ने चेन्नई में किया रोड शो। कहा उत्तराखंड और तमिल संगम को आगे बढ़ाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू कौशल घोटाला मामले में विजयवाड़ा ACB कोर्ट में फैसला सुरक्षित। पूर्व CM ने मांगा है CDR। मराठा कोटा निजाम युग के दस्तावेजों की जांच करेगी समिति। रिपोर्ट जमा करने के लिए 24 दिसंबर तक बड़ा समय। तेलंगाना कांग्रेस ने जारी की 45 उम्मीदवारों की सूची। पूर्व क्रिकेटर अजहर उद्दीन को जुबली हिल्स से मिला टिकट। मिजोरम BJP का विजन डॉक्यूमेंट। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा। JP नड्डा ने कही ये बात। हैदराबाद के जहीराबाद एरिया में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ओवैसी ने BJP और कांग्रेस को जुड़वा बताया और कहा कि दोनों पार्टियां तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सफल नहीं होंगी।